गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. दिस इज बीना राव. आई वेलकम यू ऑल टू बायो गुरु बीना राव. बच्चों, ये जो आपकी सीरीज है मॉर्निंग में एट 11 AM, दिस इज MCQ अलर्ट ऑफ NCERT, जिसमें हम NCERT की लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, प्लस उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 2010 से लेकर के 2020 तक, सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वन बाय वन. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड 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 मॉर्निंग. हाउ आर यू पीपल? कैसे हो सारे बच्चे? आई कैन सी चैट में जो भरमार प्यार आप बच्चे भेज रहे हो, सो लवली टू सी. जय श्री कृष्णा, राम राम, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, सारे विशेस ले लो. गुड मॉर्निंग. तो बच्चे, आज का जो टॉपिक है, सी, हमने जेनेटिक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, विच इज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने कल तक की कक्षा में पढ़ लिया था. डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है वो भी हम पढ़ चुके हैं. कल का जो टॉपिक था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो जिस बच्चे ने नहीं देखा है, मेक श्योर आप इस क्लास के बाद वो लेक्चर भी जरूर देख लें, बिकॉज उस पर बेस्ड आया था 2020 में एक बेहतरीन सा सवाल जो आप लोग आज मुझे करके दिखाएंगे. प्रणाम बच्चे, खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, लाइफ में व्यस्त रहो एंड स्वस्थ रहो. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अटेंडेंस लगा ले पहले, अटेंडेंस. रियाज अली, डॉक्टर शब्बान रानी, गुड मॉर्निंग. अजमल, एस के सुमन, रवि चौहान, डॉक्टर शब्बान, सैयद जहरा, रोहन जादव, गुड 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 मॉर्निंग एवरीवन. तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली डीएनए होता है, आरएनए होता है, या फिर प्रोटीन होता है. ये जो क्यूरियोसिटी थी, ये कैसे शांत हुई, कैसे पता चला कि एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए है, प्रोटीन नहीं है? बिकॉज उस टाइम पे अगर आप उस एरा की सोचेंगे तो प्रोटीन वॉज अ मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल है एंड सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड भी आपके बॉडी में. तो आप सोचिए, मैक्रोमोलिक्यूल भी है, रिक्वायरमेंट भी मैक्सिमम है, तो बेस्ट कैंडिडेट टू बी कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल इज योर प्रोटीन, ना कि डीएनए एंड आरएनए. बट कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसने प्रूव किया कि इट इज नॉट प्रोटीन बट इट इज डीएनए. तो वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं. गुड मॉर्निंग गुड्डू कुमार. तो फटाफट से, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यस, होमवर्क क्वेश्चन भी बिल्कुल देखूंगी बच्चों आपका. पहली चीज, फटाफट से इसको शेयर कर लो, अपने सभी फ्रेंड्स को आप लोग बुला लो. एंड मीनवाइल मैं देखती हूँ होमवर्क क्वेश्चन. पैकेजिंग मैंने कहा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको लास्ट में एक सवाल दिया गया था. आई वांट टू सी किस किस बच्चे ने सिंसियरली उस क्वेश्चन का किया है आंसर. सबसे पहले आंसर करने वाले महानुभाव है यासीर अंसारी. वेरी गुड अंसारी जी, यासीर अंसारी. देन वी हैव डॉक्टर शबान, परफेक्ट आंसर. दर्शनी शर्मा, अच्छा आगे भाई शर्मा जी. स्वाति रेड्डी, वेरी गुड. देन वी हैव यास्मीन, वेरी गुड. एस कुमार रवि, तुलसीदास, आकृति, वर्षा कुमारी, वेरी 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 गुड बच्चे. देन वी हैव बशीर, वी हैव अरशद अली फारूकी, वी हैव अंजलि सोनी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. निक्की वी हैव, काव्य आर्या, अर्पित गुप्ता, श्रेया शर्मा, अंजलि नायर, आशु मौर्या, रुमेली बैनर्जी, पाशा अली, आयात फ्यूचर अलीग, वी हैव मिस्टर एंटीक, भुवन डीपी, राजकुमार, सैयद जहरा, केतावत, वैष्णवी गर्ग, एस के मिनरल, गोपाल सिंह, चांदनी कुमारी, वाजी वाह, शाबाश, वेरी 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 गुड. सिंसेरिटी के लिए अपनी पीठ थपथपा लो. सबसे पहले ये जितने भी मेरे सिंसियर बच्चे हैं, सबसे पहले अपनी पीठ थपथपा लो कि तुम लोग एक स्टेप आगे हो, एक स्टेप आगे हो. हर एक लेक्चर का होमवर्क क्वेश्चन जो बच्चा कर रहा है, इसका मतलब ये है कि टॉपिक को समझने के बाद कैसा भी क्वेश्चन करने में वो बच्चा एकदम कैपेबल, एकदम सक्षम हो चुका है. राइट एवरीवन, गुड मॉर्निंग. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कक्षा से. कल जितना हम पढ़ चुके हैं, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, कल हम जितना पढ़ाई कर चुके हैं, आर यू ऑल रेडी टू सी द क्वेश्चन विच केम इन टू नीट 2020? एंड जिस जिस बच्चे ने क्लास लगाई है, वो बच्चा एक सेकेंड से ज्यादा नहीं लेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. यस एवरीवन, जस्ट वन सेकेंड. अच्छा, ये मुझको अपने आप को हाइड करना पड़ेगा, एल्स यू वॉन्ट बी एबल टू सी इट, है ना?
आपको नहीं दिख रहा होगा, लेट मी हाइड माई सेल्फ। हां जी, आप देखो बच्चों, वंस अगेन डू नॉट टेक मोर देन वन सेकेंड इन दिस क्वेश्चन। एक सेकेंड से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना है बच्चों इस सवाल में, नॉट मोर देन वन सेकेंड। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। कल ही आप बच्चों को पढ़ाया है एंड आई एम प्रिटी श्योर सारे बच्चे फटाफट से इसका आंसर कर देंगे। जस्ट वन सेकेंड। ग्रेट, आई एम गेटिंग द आंसर्स ऑलरेडी। चांदनी, अर्पित गुप्ता, बशीर, अंजनी नायर, डॉक्टर नूर, अजय यादव, रवि चौहान, एसके मिनरल, फटाफट से एक सेकंड में चैट एकदम भरमार मचा दो चैट के ऊपर। मैम देख ही ना पाए नेम्स को, इतनी जबरदस्त स्पीड से आपके आंसर्स आने चाहिए। स्वाति रेड्डी, डॉक्टर शब्बान, दर्शनी, यासीर अंसारी, वेरी 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 गुड एवरीवन। अपने आप को मैं वापस से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वापस से अपीयर हो जाती हूँ स्क्रीन पे। ग्रेट ग्रेट एवरीवन। प्रियंका, सुमन, रानी और निकी, वेरी गुड। भाई कितना डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन बताओ, एक सेकंड से ज्यादा लगा इसमें एंड इट वाज प्योरली फ्रॉम एनसीईआरटी। इसीलिए आपको बार बार बोलती हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझ लोगे तो उससे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजिली आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। प्योर एनसीईआरटी लाइंस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर इज 0.3 नैनोमीटर्स, जब ये टॉपिक स्टार्ट होता है एकदम स्टार्टिंग वाली लाइन है बच्चे, एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज दिस मच, देन द लेंथ फाइंड आउट करनी थी विच इज योर 2.2 meters। 2.2 एवरीवन, 2.2 meters करेक्ट हुआ जी। ये क्वेश्चन हलवा लग रहा था, हाँ जी ऐसे ही सारे क्वेश्चन हलवा लगेंगे, बस आपको कंसिस्टेंटली सारी क्लासेस को अटेंड करना है। ऐसे ही सारे क्लास सारे के सारे क्वेश्चन को हम हलवा बना के साइड में रख देंगे। यस, चलिए फिर एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये खुद बनाया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट। इत्मीनान से ज्ञान चक्षु ओपन करके सोच समझ के इसका आंसर करना है। सोचने के लिए मैं आपको दे रही हूं पूरे 5 सेकंड। 5 सेकंड एवरीवन, 5 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। सोच समझ के इत्मीनान से आंसर करना है इस क्वेश्चन का। इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, आपको डीएनए के एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। वैष्णवी, गौर्ग, चांदनी कुमारी, डॉक्टर नूर, प्रिंसेस कुमारी, यासीर अंसारी, वर्षा, मनु राणा, शिव कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग, जल्दी आओ। जिस बच्चे ने आंसर इसका ऑप्शन ए लगा दिया है फटाफट से, जिस बच्चे ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दिया है, वो क्या करेंगे, वो एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे एंड मेरी बात सुनेंगे। सबके सब बच्चे बिल्कुल गलत आंसर कर रहे हो, हाँ जी सारे बच्चे गलत कर रहे हो। जल्दबाजी में जिसने बी ऑप्शन ए आंसर लगाया है, सबके सब बिल्कुल गलत आंसर कर रहे हो। लंबी गहरी सांस लो जल्दी से एंड सुनिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने आपको एक सीक्वेंस दी है जो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है एंड द सीक्वेंस इज ए टी जी सी ए टी सी जी। राइट है जी, राइट है, वेरी गुड। अब करेक्ट आंसर्स आना शुरू हुए हैं। निक्की, गोपाल, अर्पित, रंजू नंदा, अब करेक्ट आ रहे हैं। इकरा वेरी गुड, दर्शनी वेरी गुड, अब करेक्ट आ रहे हैं। समझ गए हो अपनी गलती, खुद से ही समझ गए हो। वेरी 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 गुड एवरीवन। तो देखो बच्चों, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री विल बी टी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री विल बी योर ए, जी का कॉम्प्लीमेंट्री इज सी, ये जी यहाँ पे, टी यहाँ पे, ए यहाँ पे, जी यहाँ पे, सी। करेक्ट बात है जी, करेक्ट बात है। अब ये वाली जो सीक्वेंस है, सिंस दिस इज 5 prime to 3 prime, इट हैज टू बी 3 prime to 5 prime। ठीक बात है। अब आप बच्चों ने फटाफट से जो आंसर दिया वो टी ए सी जी टी ए जी सी कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में तो ट्विस्ट है।
एग्जामिनर तो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, यहां तक तुमने आंसर निकाला, लेकिन एग्जामिनर पूछ रहा है इन 5' to 3' डायरेक्शन विच विल बी दिस वन, 5' to 3' विल बी दिस वन। तो बच्चे सीक्वेंस क्या हुई आपकी, सीक्वेंस इज सी जी ए टी जी सी ए टी। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर 2 ना कि ऑप्शन नंबर 1, यस और नो, यस और नो, स्टार्टिंग में करेक्ट किया था, वेरी गुड। जिसने करेक्ट नहीं किया था वो बच्चे बताओ जी, आया समझ में, आपने सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़ा है, आपने इसके आगे का क्वेश्चन ना पढ़ते हुए क्वेश्चन का आंसर गलत लगा दिया है। नाउ टेल मी इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जल्दी बताओ क्या अब ये सवाल आपको समझ में आया, यस यस। तो जल्दी से क्या करना है, शेयर कर लो सेशन को, लाइक भी कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो फटाफट से, जल्दी से, यस यस। अब आ गया समझ, अब आ गया समझ, निकी डन, डॉक्टर नूर डन, डन, गलती समझ आ गई, नॉट ए प्रॉब्लम यार, गलती समझ के उसको करेक्ट ही तो करना है, ये सारे सेशंस इसलिए ही तो है कि आप गलतियां करो उनसे सीखो, जो गलती करके सीखोगे उसका फाइनल एग्जाम में बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे उस क्वेश्चन को। हां जी डन डन, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, एनसीईआरटी एंड पेंसिल रेडी एवरीवन, हथियार अपने कर लो तैयार सारे बच्चे, अध्याय नंबर 6 विच इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पेज नंबर 100, पेज नंबर 100, अध्याय नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज द सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल यार, एक्चुअली जेनेटिक मटीरियल आपका डीएनए है या फिर ये आरएनए है या फिर ये प्रोटीन है। काफी दिनों तक असमंजस की स्थिति में रहे सारे के सारे साइंटिस्ट कि यार मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव कर दिया कि डिस्क्रीट पार्टिकल है, बट वो डिस्क्रीट पार्टिकल एक्चुअली है क्या, उसका बायोकेमिकल कंपोनेंट्स क्या है, कहीं वो प्रोटीन तो नहीं, बिकॉज पूरी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए वी डू नीड प्रोटीन इन हाईएस्ट अमाउंट, तो कहीं वो प्रोटीन तो नहीं या फिर आरएनए तो नहीं या फिर डीएनए तो नहीं। तो तीनों में ही काफी ज्यादा फाइट चल रही थी, कब चल रही थी, मेशर साहब ने न्यूक्लिन को इजाद कर दिया, मेंडल साहब के भी सारे एक्सपेरिमेंट्स प्रूव हो गए, लेकिन एक्चुअली इन तीनों कैंडिडेट में से जेनेटिक मटेरियल का खिताब किसको देना दिया जाना चाहिए वो प्रूव नहीं हो पाया काफी टाइम तक। बड़े लंबे अरसे के बाद में 1926 में जा करके मॉलिकुलर लेवल का पता लगाया गया, राइट। अब सभी साइंटिस्ट ने अपनी बेहतरीन डिस्कवरीज भी दे दी थी, मेंडल साहब ने, सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी को भी दे दिया, हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट्स भी कर दिए, सबने सबके सामने एक क्वेश्चन खड़ा हो गया बहुत बड़ा, वो ये कि जेनेटिक मटेरियल आखिर है तो है क्या, दया पता लगाओ कि ये डीएनए है, ये आरएनए है या ये प्रोटीन है। कृष पटेल, पटेल साहब मिंटी क्विज हम इवनिंग में करते हैं, मॉर्निंग में हम एमसीक्यू अलर्ट करते हैं, इवनिंग में हम मिंटी क्विज करते हैं, तो शाम को आ जाना मिंटी मिंटी खेलने, कल आप जीते थे तो देखते आज आप जीत पाओगे या नहीं। हां जी, यस एवरीवन, हथियार तैयार सबके, हथियार सबके तैयार है, वेरी वेरी गुड। तो भाई अब इन सभी साइंटिस्ट के सामने एक काफी बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा हो गया कि दावेदार कैंडिडेट्स हमारे पास डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन है, एंड इन तीनों में से किसको खिताब दिया जाना चाहिए जेनेटिक मटेरियल का, एंड ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि यस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल या आरएनए या फिर इट इज प्रोटीन। देखते हैं, सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने अपना हाथ आजमाया वो है ग्रिफिथ। ग्रिफिथ साहब ने दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल था पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम एनसीईआरटी पे चलेंगे, पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूं मैं। ग्रिफिथ साहब ने भाई, सभी साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं,
कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे मेंडल ने पी प्लांट को किया, मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला कर लिया, सिंपली ग्रिफिन साहब ने लिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या लिया बच्चों, जल्दी बताओ कमेंट्स में, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब समझिए बच्चों, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो टाइप की स्ट्रेन एग्जिस्ट करती है। कितने टाइप की बच्चे, दो टाइप की। वन इज कॉल्ड एज एस स्ट्रेन, सेकेंड इज कॉल्ड एज आर स्ट्रेन। एक को तो आप एस बुलाते हो, दूसरे को आप आर बुलाते हो। मैम वाई एस वाई आर, बिकॉज एस का मतलब है दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस स्मूथ कॉलोनीज। ये वाली जो स्ट्रेन है वो स्मूथ कॉलोनीज को फॉर्म करेगा। मैम वाई आर, बिकॉज ये फॉर्म करेगा रफ कॉलोनीज, ये बनाएगा मेरे लाल रफ कॉलोनीज। क्या समझे, क्या समझे बंधु लोगों? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो स्पीसीज एग्जिस्ट करती है, वन इज एस सेकेंड इज आर। एस का मतलब है स्मूथ। वाई स्मूथ, इसकी अपियरेंस काफी स्मूथ है। वाई स्मूथ, बिकॉज इसमें म्यूकस पॉलीसेक्राइड की एक लेयर प्रेजेंट है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस म्यूकस पॉलीसेक्राइड की लेयर, दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब ये है कि अगर इससे इंफेक्शन कॉज होता है तो फॉर श्योर देयर विल बी डिजीज निमोनिया। डिजीज जरूर होगा, विरुलेंट का मतलब विरुलेंस को कॉज करेगा। जो भी ऑर्गेनिज्म में एस स्ट्रेन एग्जिस्ट करेगा, ये उस ऑर्गेनिज्म को निमोनिया कॉज करेगा, उसको डिजीज हो जाएगा। आया समझ? हां जी बताओ, आया समझ? रफ कॉलोनीज, अभी रफ अपियरेंस है, मतलब म्यूकस की कोई लेयर यहां पे प्रेजेंट नहीं है। अब म्यूकस की लेयर नहीं है मतलब क्या ये विरुलेंट होगा? ना जी ना, दिस इज नॉट विरुलेंट। इससे कोई हानि नहीं पहुंचने वाली, कोई हानि नहीं पहुंचेगी, मतलब क्या डिजीज हो पाएगा? ना जी ना, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, कतई नहीं हो पाएगा डिजीज। समझे? तो निमोनिया की दो स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, वन इज एस सेकंड इज आर स्ट्रेन। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट? प्रकाश हेलो बच्चे, एस कुमार रवि प्रणाम बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो अपनी लाइफ में हमेशा। बताओ बताओ जल्दी, दो कॉलोनीज, वापस रिपीट करी बच्चों, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो कॉलोनीज है, एस टाइप है एक आर टाइप है। जो एस टाइप है इसमें एस का मतलब होता है स्मूथ कॉलोनीज। वाई स्मूथ, बिकॉज इसमें म्यूकस पॉलीसेक्राइड की एक लेयर प्रेजेंट है, एंड दिस लेयर इज विरुलेंट, मतलब ये डिजीज को कॉज करने में सक्षम होगा। आर स्ट्रेन, आर स्टैंड्स फॉर रफ कॉलोनीज, मतलब इसमें म्यूकस की लेयर एब्सेंट है, मतलब विरुलेंस का फैक्टर भी एब्सेंट है, मतलब ये डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। डन? ये फंडा किसका क्लियर हुआ? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ये फंडा क्लियर हुआ, यस और नो? एक्सक्यूज मी, यस और नो? ये फंडा क्लियर हुआ, यस और नो? टेल मी एवरीवन, गया भेजे में, भेजे में बात डायरेक्ट फिट हो चुकी है, यस और नो? भेजे के कॉर्नर में फिक्स हो गई। डन डन, क्लियर क्लियर, ये फंडा क्लियर है। चलो फिर चलते हैं आगे, एनसीईआरटी क्या कहती है देख लेते हैं। ग्रिफिन साहब ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, किस पे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे। ये वो बैक्टीरियम है जो निमोनिया को कॉज करेगा, सिंपल सी बात है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे इसने ऑब्जर्व किया वो हम अभी समझने वाले हैं, yes, वो हम अभी समझने वाले हैं। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है बच्चे, दैट इज ग्रोन ऑन ए कल्चर प्लेट, सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज विच इज एस टाइप, वाइल द अदर्स प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज विच इज योर आर टाइप। एक आपका एस टाइप है, दूसरा आपका आर टाइप है। डन है जी? One is S type, second is R type. This is because the S strain bacteria have a mucus polysaccharide ki layer, while R strain are not having that. Samaj aaya?
हाँ जी हाँ जी, माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्ट्रेन जो कि विरुलेंट है, दैट विल डाय फ्रॉम द निमोनिया बिकॉज इन्फेक्शन कॉज करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा तो डिजीज होगा, डिजीज होगा तो डेथ हो जाएगी। यहां तक किस किस को क्लैरिटी आ चुकी है? निलेश बेटा, डीएनए है या आरएनए वही तो हम जानना चाह रहे हैं। एंटायर नेशन वॉन्ट्स टू नो कि उसमें डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, उसी की तो लड़ाई चल रही है पूरी कि है क्या एक्चुअली। एस एन आर स्ट्रेन का फंडा क्लियर हुआ, यस और नो, टेल मी एवरीवन, एस एन आर स्ट्रेन का फंडा क्लियर हो गया बच्चों? डन डन। चलिए अब एक्चुअली एक्सपेरिमेंट क्या क्या इन्होंने वो समझते हैं, एक्सपेरिमेंट समझते हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंट समझते हैं, फंडा क्लियर है? आ जाओ जी। अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया ग्रिफिथ साहब ने, लेट मी चेंज द कलर, हां जी, ग्रिफिथ साहब ने क्या किया एक्सपेरिमेंट ने, माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट को किया। अब यार ह्यूमंस पे तो कर नहीं सकते, वरना पॉपुलेशन अपनी अच्छे खासे पेस पे ही रहती, इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाती, ओवर पॉपुलेटेड हम नहीं होते, तो ले देकर के माइस पे ही जोर चलता है हमारा, तो माइस पे ही सारे एक्सपेरिमेंट्स को किया जाता है। हालांकि आजकल के टाइम पे माइस पे एक्सपेरिमेंट्स होना बंद हो चुके हैं, रीजन बीइंग उसके भी एथिकल राइट्स आना शुरू हो गए हैं, तो अब नहीं होते हैं डाइसेक्शन अननेसेसरी वाले, लेकिन पहले पहले तो निलेश डरो मत, डर के आगे जीत है, पहले तो माइस पे एक्सपेरिमेंट होते थे, राइट। अब इन्होंने क्या किया, चार सेट में एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। पहले सेट में इन्होंने क्या किया, एक माइस को लिया, ये हमारे प्यारे माइस जी, एक माइस को लिया, राइट। इस माइस को इन्होंने एस स्ट्रेन से इन्फेक्ट कराया। अब आप लोग बताओ, अगर माइस को एस स्ट्रेन से इन्फेक्ट कराएंगे तो क्या होगा इस माइस का, टेल मी क्या रहेगा इस माइस का, इस चूहे जी को अगर एस स्ट्रेन से हमने इन्फेक्ट करा दिया, एस स्ट्रेन याद करो फटाफट से, इसमें तो स्मूथ कॉलोनीज है, ये तो विरुलेंस वेक्टर को कॉज करेगा, मतलब ये तो डिजीज कॉज करेगा, ये तो निमोनिया करा देगा, निमोनिया कराएगा तो माइस की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये हमारा माइस बेचारा ऐसे उल्टा पड़ गया, इसकी डेथ हो चुकी है, सैड माइस बन गया ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वी हैव सैड माइस, मर गया बेचारा। Yes, क्यों? बिकॉज हमने एस स्ट्रेन से इसको इन्फेक्ट कराया, एस स्ट्रेन में स्मूथ कॉलोनीज है, विरुलेंस फैक्टर है, मतलब वो डिजीज को करेगा कॉज, निमोनिया हो जाएगा माइस को, माइस के तो पंखे से उड़ गए, डेथ हो गई उसकी, यस डेथ हो गई, चलो निपट गया, दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेकेंड में हमने क्या किया, मतलब ग्रिफिथ साहब ने माइस लिया, माइस को आर स्ट्रेन से इन्फेक्ट कराया। अब सोचो आर स्ट्रेन स्मूथ कॉलोनीज तो नहीं है, आर स्ट्रेन स्मूथ कॉलोनीज तो नहीं होती है इसमें, विरुलेंस मतलब जीरो, विरुलेंस जीरो मतलब निमोनिया नहीं होगा, डिजीज नहीं होगा, डिजीज नहीं होगा तो क्या होगा बताओ आज कोई। कृष पटेल बिल्कुल, आई डू रिमेम्बर यू, कल आपने मिट्टी क्विज को जीत लिया था, फतेह हासिल कर ली थी, टेलीग्राम ग्रुप पे आपके लिए झंडा भी फहरा दिया था हमने, तो आज भी होगी मिंटी क्विज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे शाम को 5 बजे। बताओ जी नेक्स्ट वन, भाई ये तो बिल्कुल हैप्पी माइस है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई फाइट नहीं है, एकदम हैप्पी माइस है, बिकॉज आर स्ट्रेन तो विरुलेंट है ही नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेकंड एक्सपेरिमेंट, इट विल सर्वाइव, इट विल सर्वाइव, यस एवरीवन इट विल सर्वाइव। व्हाट अबाउट द थर्ड वन, तीसरा एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, माइस को लिया, राइट, इसमें इन्होंने एस स्ट्रेन लिया, लेकिन इस एस स्ट्रेन में कुछ चेंज करने के लिए इसको हीट किल्ड कर दिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन ले लिया। अब अगर आप एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर देते हो तो नॉर्मल एस स्ट्रेन से आप इसको इन्फेक्ट करवा रहे थे, माइस की हो रही थी डेथ, लेकिन अगर आपने एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया, मतलब आपने एस स्ट्रेन का जो विरुलेंस फैक्टर है उसको इनएक्टिव कर दिया, जब वो विरुलेंस फैक्टर इनएक्टिव हो गया मतलब अब
विरुलेंस नहीं है मतलब अब डिजीज कॉज नहीं हो सकता, डिजीज नहीं हो सकता तो माइस की डेथ होगी या फिर वो सरवाइव करेगा। बताओ जी, माइस की डेथ होगी या फिर वो सरवाइव करेगा? बिल्कुल जी, जीत हासिल कर लेगा, वो सरवाइव करेगा, बिल्कुल सरवाइव करेगा। ये भी हमारा हैप्पी माइस है। आया समझ? थर्ड एक्सपेरिमेंट में जब ग्रिफिथ साहब ने एस स्ट्रेन लिया, हीट किल्ड वाला एस स्ट्रेन लिया, तो हीट किल्ड करने से जो विरुलेंस फैक्टर था वो ए विरुलेंस फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, वो मिनिमाइज हो गया, जिसकी वजह से माइस आपका सरवाइव कर गया। अब ग्रिफिथ के दिमाग में उठी खुराफात कि अब मुझको कुछ और एक्सपेरिमेंट लगाना चाहिए जस्ट टू हैव सम क्लैरिटी। तो इन्होंने माइस को लिया, राइट, उस माइस में एस स्ट्रेन हीट किल्ड लिया, एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस साथ में आर स्ट्रेन ले लिया, ये दोनों स्ट्रेन से इन्फेक्ट करा दिया इस माइस को। अब बताओ अब क्या होगा, अब बताओ अब क्या होगा, फोर्थ वन, अब बताओ अब क्या होगा। अब यार स्पेक्यूलेशन तो ये थी ग्रिफिथ साहब की कि मैं अगर एस स्ट्रेन हीट किल्ड से कर रहा हूं इन्फेक्ट माइस को, वो सरवाइव कर रहा है, हैप्पी माइस है। अगर मैं आर स्ट्रेन से इन्फेक्ट कर रहा हूं तो भी वो हैप्पी माइस है, लेकिन मैं दोनों को क्लब करके करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, माइस हैज टू बी हैप्पी, है ना। स्पेकुलेशन तो ये थी, इन्होंने ऐसी धारणा लगाई, ऐसा अनुमान लगाया कि यार इससे अगर अलग से मैं करवा रहा हूं माइस को इन्फेक्ट, तो माइस मेरा हैप्पी है, सरवाइव कर रहा है, इससे अलग से करवा रहा हूं तो भी माइस मेरा हैप्पी है, सरवाइव कर रहा है। लेकिन जब दोनों को क्लब करके दिया गया तो भैया जी माइस के तो प्राण पखेरू उड़ गए बिल्कुल, एंड उसकी हो गई डेथ। उसकी क्या हुई जी? डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद ग्रिफिथ ये सोचने पे मजबूर हो गया कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जब मैंने इन दोनों को एक साथ में कंबाइन करके दिया, तो ऐसा क्या हुआ कि माइस जो है उसकी डेथ हो गई, आरआईपी हो गया जी, आरआईपी हो गया। तो ये ग्रिफिथ अब सोचने पे मजबूर हो गया कि ये दोनों को एक साथ देने से ऐसा क्या हुआ, इसको अलग से दिया माइस सरवाइव करा, इसको अलग से दिया माइस सरवाइव किया, कंबाइन करके दिया माइस की डेथ हो गई। मतलब उन्होंने ये अनुमान लगाया कि देयर हैज टू बी समथिंग, इस एस ट्रेन में जो चीज विरुलेंस फैक्टर को कॉज कर रही थी, जिसकी वजह से निमोनिया हो रहा था हीट किल करने से, वो यहां पे फंक्शन नहीं कर रहा, बट जिस फैक्टर की वजह से निमोनिया हो रहा था उस फैक्टर को इस एस ट्रेन ने बड़ी चलाकी से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर कर दिया, ड्यू टू विच आर स्ट्रेन आपका कन्वर्ट हो गया एस ट्रेन में, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस एस ट्रेन ये माइस की हो गई है डेथ, बेचारे का हो गया है आर आई पी, रेस्ट इन पीस चला गया ये। हां जी, तो ग्रिफिथ ने ये अनुमान लगाया, देयर हैज टू बी समथिंग, व्हाट इज दैट समथिंग ही डोंट नो, भाई वो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या है, कोई आइडिया नहीं है बेचारे को, लेकिन इसने कहा कि देयर इज समथिंग, कुछ तो है, ये एस ट्रेन ने बड़ी चलाकी से कुछ चीज को ट्रांसफर किया है आर स्ट्रेन में, देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ समथिंग, व्हाट इज दैट समथिंग ही वॉज नॉट अश्योर्ड ऑफ, उसको नहीं पता कि डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, बट समथिंग हैज बीन स्टेबली पास्ड फ्रॉम एस ट्रेन टू आर स्ट्रेन, कुछ चीज है जो पास हुई है एस ट्रेन से आर स्ट्रेन में। एम आई क्लियर? हां जी, एम आई क्लियर? ये चारों एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गए? यस और नो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ एवरीवन, Do let me know everyone, जल्दी से बता दो फटाफट से, ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट यहां तक आप बच्चों को समझ आ गया है, यस और नो? यहां तक कोई भी आपत्ति है तो प्लीज पूछिए, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, सुपर डुपर क्लियर, मजा आ रहा है सबको, मजा आ रहा है सबको, यस आ गया समझ, आ गया, डन डन डन। चलिए फिर देख लेते हैं एनसीईआरटी माता क्या लिखती है हमारी, एनसीईआरटी माता पेज नंबर
100, अध्याय नंबर 6, अध्याय नंबर 6 पेज नंबर 100 आ जाइए। फर्स्ट वन, एस ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में, माइस की हो गई डेथ। आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, सरवाइव किया। एस स्ट्रेन हीट किल को इंजेक्ट किया, माइस सरवाइव किया। एस स्ट्रेन हीट किल प्लस आर स्ट्रेन को किया तो माइस की हो गई है जी डेथ। अब इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इन्होंने ये कंक्लूड किया दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन है इसका नाम, ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। किसी तरीके से एस स्ट्रेन हीट किल ने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है इनटू विरुलेंस। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। This is due to transfer of genetic material, लेकिन इस genetic material का biochemical nature क्या है ये नहीं पता। There is something, पता लगाओ। अब इन्होंने सारे scientist को एक असमंजस की स्थिति में छोड़ दिया, एक question mark देकर के छोड़ दिया कि अब सोचो कुछ है जो पास हुआ है। दया मिलकर के पता लगाओ सारे scientist की वो क्या चीज है जो pass down हुई है from S strain heat kill to R strain। There is something, हां जी, there is something, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब जो दया था जिसको पता लगाना था कि क्या गड़बड़ हुई है, वो दया आएंगे अब पिक्चर में। यहां तक क्लैरिटी आई बच्चों, जल्दी बताओ, यहां तक क्लैरिटी आ चुकी है बच्चों को? हां जी, डन 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 डन। चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ थी। अब एक्चुअली क्या चीज ट्रांसफॉर्म हुई है वो पता लगाई तीन साइंटिस्ट ने मिलकर के, एवरी, मैकलियोड, मैकार्टी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एवरीवन, स्टार मार्क कर लो इसको जल्दी से, सारे बच्चे स्टार मार्क करो, स्टार मार्क एवरीवन, स्टार मार्क करो फटाफट से, पेंसिल एंड योर एनसीईआरटी, पेंसिल से स्टार मार्क करो। एवरी, मैकलियोड, मैकार्टी, इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर के पता लगाया कि एक्चुअली क्या चीज थी जो कि एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुई है। अब इनके पता लगाने से पहले जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन को समझा जाता था। मैंने कहा तीन कैंडिडेट्स हैं यार, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। अब आपके सामने तीन कैंडिडेट है, आप सोचोगे कि एक्चुअल में किसके रिक्वायरमेंट ज्यादा है बॉडी को, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो मैक्रो मॉलिक्यूल है। सो बेस्ड अपॉन फ्यू क्राइटेरिया सभी साइंटिस्ट का ये मानना था कि यार ये प्रोटीन ही है जो कि स्टेबली पास डाउन होता है फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, ये प्रोटीन ही है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है आगे की सारी जनरेशंस में, राइट। अब ये प्रोटीन वाले डिलेमा को हमको हटा करके इसमें डीएनए को फिक्स करना है कि ना जी ना, प्रोटीन नहीं है ये, एक्चुअली डीएनए है। अब कैसे हम इसको फिक्स करेंगे, कैसे हम फिक्स करेंगे, जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उसके ऊपर वर्कआउट किया तीन साइंटिस्ट ने, एवरी, मैकलियोड, मैकार्टी, तीनों ने मिलकर के ये प्रूव कर दिया कि भैया ये प्रोटीन नहीं ये है डीएनए। कैसे प्रूव किया देखते हैं जी, कैसे प्रूव किया, आ जाओ ब्लैंक स्लाइड पे वापस से, आ जाइए ब्लैंक स्लाइड पे वापस से। यस एवरीवन इज विद मी, एवरीवन इज विद मी, हां जी जल्दी आओ, प्रोटीन क्यों नहीं है उसको समझने के लिए तैयार हो जाओ। एवरीवन इज विद मी, एवरी, मैकलियोड, मैकार्टी ने ऐसे क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, देखो जी समझिए इसको। जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था जिसमें माइस को इन्फेक्ट किया गया था एस स्ट्रेन हीट किल्ड, प्लस उसमें हमने ली थी अपनी आर स्ट्रेन, राइट। तो जो लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट था वहां से आइसोलेट किया गया इस बैक्टीरियम को। आइसोलेट करने के बाद हमने क्या किया, तीन बीकर्स लिए, बीकर ए, तीन सेट में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, बीकर ए, देन वी हैड बीकर बी, देन वी हैड बच्चों बीकर नंबर थर्ड विच इज सी, ठीक बात है जी, तीन बीकर ले लिए। अब ये आर स्ट्रेन हीट किल तीनों में डाल दिया, जो आइसोलेट किया था वो तीनों में हमने डाल दिया, मतलब यहां पे वी हैव एस स्ट्रेन
हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन. यहां पे भी वी हैव एस स्ट्रेन, हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन. इस बीकर में भी हमने रख दिया एस स्ट्रेन, हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन. ठीक बात है जी, रख दिया. अब समझिए, अब आता है कहानी में ट्विस्ट. इन्होंने सोचा यार कैसे पता लगाया जाए कि एक्चुअली प्रोटीन है, डीएनए है या आरएनए है. अब तीनों सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में आरएनएज को प्लेस कर दिया. आरएनएज इज एन एंजाइम जो कि आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा. अब अगर आरएनए डाइजेस्ट हो गया, सुनना बच्चे ध्यान से, ज्ञान चक्षु ओपन, एवरीवन विद मी, ज्ञान चक्षु ओपन, एवरीवन इज विद मी. समझिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने आरएनएस को प्लेस किया. आरएनएस का काम क्या है? आरएनए को ब्रेक करना. अगर आरएनए ब्रेक हो गया, मतलब अगर आरएनए एज ए सुटेबल कैंडिडेट, एज ए सुटेबल मॉलिक्यूल है और आरएनए ब्रेक हो चुका है, मतलब देयर विल बी नो ट्रांसफॉर्मेशन. अगर है तो, आया समझ? तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो कैसे पता चलेगा हमको? हमने तीनों बीकर में डिफरेंट मॉलिक्यूल को, डिफरेंट एंजाइम को प्लेस किया. फर्स्ट में आरएनएस को, सेकंड में हमने प्रोटीएज को प्लेस किया जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करने वाला है. थर्ड में हमने डीएनएस को प्लेस किया जो कि डीएनए मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करेगा. समझ पा रहे हो बच्चों? हां जी, यस एवरीवन. क्लास पे आओ सारे बच्चे. आया समझ? तो अगर मान लीजिए फॉर एन इंस्टेंस, अगर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, अगर डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन को कॉज कर रहा है, तो जिस एक्सपेरिमेंट में मैंने डीएनए को प्लेस किया है वो डीएनए एंजाइम इस डीएनए को कर देगा खत्म. डीएनए खत्म मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो इन तीनों में से जिसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ वही मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, राइट एवरीवन? यहां तक क्लैरिटी है. तो जब फर्स्ट वाली एक्सपेरिमेंट में आरएनएस को प्लेस किया गया, देयर वाज नो डिफरेंस एट ऑल. माइस पहले भी डेड हो रहा था, अब भी डेड हो रहा है. मर गया बेचारा माइस, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है. हुआ है मतलब आरएनए को एज ए सुटेबल कैंडिडेट मानना गलती होगी. मतलब आरएनए कैन नॉट बी द जेनेटिक मटेरियल, यस और नो? जल्दी बताओ, आरएनए तो नहीं हो सकता भाई जेनेटिक मटेरियल, यस और नो? क्विकली टेल मी, फटाफट से बताओ, है ना. सेकंड पे आओ, प्रोटीएज को मैंने प्लेस किया, मतलब सारा प्रोटीन डाइजेस्ट कर गया. प्रोटीन डाइजेस्ट करने से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला. यहां पे भी हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, माइस की तो डेथ हुई है, मतलब प्रोटीन कैन नॉट बी योर जेनेटिक मटेरियल. सेकंड से भी प्रूव हो गया. अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में उनके ज्ञान चक्षु हो गए ओपन, सब एकदम बौखला गए. जब डीएनए को प्लेस किया तो अब इसमें डीएनए आपका खत्म हो चुका है. डीएनए जब खत्म हुआ तो ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल. तो थर्ड केस में भैया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं. ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ मतलब द सुटेबल कैंडिडेट इज योर डीएनए. ये आपका कुछ और नहीं, डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन के प्रिंसिपल को कंडक्ट करवा पा रहा है. इट इज योर डीएनए मॉलिक्यूल जो कि एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क कर रहा है. आपकी एस स्ट्रेन ने अपने डीएनए को आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म किया था, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन आपका एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया था. इट वॉज नॉट प्रोटीन, इट वॉज योर डीएनए. एस के सुमन बिल्कुल सही लिखा था बच्चे आपने. इस केस में माइस आपका सर्वाइव कर रहा है, इसमें माइस आपका डेड हो गया है, इसमें भी माइस आपका डेड हो गया है. एम आई क्लियर? बताओ जी, क्या आपको मेरी बात समझ आई या फिर आपको समझ आई? यस एवरीवन, समझ आ गया? जल्दी बताओ
क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है अच्छे से? डीएनए इज जेनेटिक मटीरियल। जल्दी बताओ कमेंट्स में, मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्विकली एवरीवन। आ गई है बात समझ में, आ गई। वेरी 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 गुड, वेरी गुड। अब यार एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने एक्सप्लेन तो कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट से, एक्सप्लेन तो कर दिया कि हां जी ये डीएनए ही है, लेकिन लेकिन जितने भी साइंटिस्ट थे उस एरा में, सबका मानना था प्रोटीन है। उन्होंने कहा नहीं यार, तुम्हारी जो एक्सप्लेनेशन है हमको मजा नहीं आया। तुमको तो पढ़ के मजा आ गया, लेकिन उन साइंटिस्ट ने कहा यार हमको तो नहीं मजा आया, मतलब आपकी बात से हम पूरी तरह सहमत नहीं है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटीरियल है। हम तो अभी और एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं। एक्चुअली हम ये कंक्रीट वे में नहीं बोल सकते कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, हम स्टिल ये मानते हैं कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। कुछ लोग होते हैं ना बड़े अड़ियल से होते हैं, कितना समझा लो कितना समझा लो, कहेंगे ना जी ना, मेरे जो बिलीफ है वही सही है, मैं अपने बिलीफ पे ही चलूंगा, मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला। तो ये वो साइंटिस्ट थे जो बहुत अड़ियल थे, जिनका मानना था कि ना जी ना, मेरे जो बिलीफ है वही करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट निक्की, मुबारक अंसारी। लेकिन जब जब ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि मेरे बिलीफ करेक्ट है, कोई ना कोई ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन अपीयर हो जाता है समझाने के लिए कि भैया आपके बिलीफ करेक्ट होंगे, लेकिन आप हमारी बात भी समझ लीजिए जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो वो बात समझाने के लिए प्रकट हुए हमारे सामने दो महानुभाव, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर के आए हमारे सामने। वो दो महानुभाव है आपके हर्षे एंड चेज। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है, इसीलिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है द अनइक्विवोकल प्रूफ। समझिएगा, एग्जामिनर इस वर्ड को बहुत यूज करता है। अनइक्विवोकल मतलब अनडिनाइबल, अनडिनाइबल प्रूफ मतलब अब आप मुकर नहीं सकते। जो इन दो साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया, अब इससे आप मुकर नहीं सकते। अगर इन्होंने कहा प्रोटीन है मटेरियल तो प्रोटीन ही है, इन्होंने कहा डीएनए है तो डीएनए ही है। अब इसके आगे देयर इज नो टर्निंग बैक। बाकी सभी साइंटिस्ट कम्युनिटी को बात माननी ही पड़ गई कि हां जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वो प्रूफ किसने दिया? द अनइक्विवोकल, द अनडिनाइबल, द अनस्टॉपेबल प्रूफ वॉज गिवन बाय हर्षे एंड चेज। किसने बच्चों, जल्दी बताओ? अरे हर्षा नहीं है भाई, हर्षा दिस इज नॉट हर्षा, दिस इज हर्षे एंड चेज। इन दोनों साइंटिस्ट ने कहा कि यार अब हम प्रूव करेंगे कि एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, एंड जो हमारा प्रूफ है इसको कोई भी डिनाई भी नहीं कर पाएगा। यस एवरीवन, जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में, द अनइक्विवोकल प्रूफ वॉज गिवन बाय, फटाफट से चैट को भर दो, फटाफट से चैट को भर दो, द अनइक्विवोकल प्रूफ वॉज गिवन बाय, क्विकली एवरीवन। ग्रेट ग्रेट, अथर पवार, शिव कुमार, एस कुमार रवि, एस के मिनरूल, अर्पित गुप्ता, एस के सुमन, इकरा, अनामिका, निकी, ग्रेट। तो देखो हर्षन चेज ने क्या किया, पहली बात तो इन्होंने बड़ी ही समझदारी एंड सूझबूझ से बैक्टीरियोफाज को चूज किया। पहले तो समझ लो तुम लोग बैक्टीरियोफाज होता क्या है, पहले तो समझो बच्चों बैक्टीरियोफाज होता क्या है। यार बैक्टीरियोफाज, किस किस को मेरी क्लास में ये लगता है अभी कि बैक्टीरियोफाज एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है? किस किस को इस क्लास में ये लगता है कि बैक्टीरियोफाज इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया? जल्दी बताओ कमेंट्स में, क्या ये बैक्टीरिया है या फिर ये वायरस है? हेलो फ्यूचर डॉक्टर हिना, जल्दी ज्वाइन करो बच्चे। किस किस को लगता है बैक्टीरियोफाज एक बैक्टीरिया है? वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, समझदार है हमारे सारे बच्चे।
बायोगुरु की पलटन सेना सुपर समझदार हो चुकी है। तो ये एक्चुअली बच्चे मेरे वायरस होता है, ये ऐसा वायरस है विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करता है वो है आपका बैक्टीरियोफाज। तो हर्से एंड चेज ने ये देखा माइक्रोस्कोप में कि यार जब बैक्टीरिया सपोजिंगली ईकोलाई हम लेते हैं, तो बैक्टीरियोफाज जब इन्फेक्शन को कॉज करता है तो ये बैक्टीरियोफाज इस बैक्टीरिया के ऊपर जाता है एंड कुछ अपने अंदर से कोई चीज तो है जो कि ये पोर कर देता है इस बैक्टीरिया में। क्या देखा बच्चों, वापस से सुनो। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो बैक्टीरियोफाज है जब ये बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करने जाता है तो देयर इज समथिंग जो पास कर देता है बैक्टीरिया में एंड बैक्टीरिया की मशीनरी जो भी सब्सटेंस यहां पे आया है उसको मल्टीप्लाई करके देती है, उसको मल्टीप्लाई कर दे करके देती है। अब क्या चीज पास कर रहा है ये, इसके लिए श्योरिटी नहीं है, वही तो क्वेश्चन है, उसका ही तो हमको आंसर ढूंढना है। तो बच्चे ये बैक्टीरियोफाज क्या चीज पास कर रहा है, अब बेसिकली प्रोटीन एंड डीएनए, प्रोटीन एंड डीएनए इन दोनों की लड़ाई थी कि एक्चुअली प्रोटीन पास कर रहा है या डीएनए पास कर रहा है। अब डीएनए में क्या होता है जी, फॉस्फेट, प्रोटीन में भैया सल्फर, प्रोटीन में भी है सल्फर। अब इन्होंने क्या किया, हर्से एंड चेज ने दो आर्मी तैयार की बैक्टीरियोफाज की, एक एक आर्मी बैक्टीरियोफाज की जिसमें इन्होंने फॉस्फेट को रेडियो एक्टिव कर दिया, फॉस्फेट को कर दिया जी रेडियो एक्टिव एक आर्मी में, ये है हमारी फर्स्ट आर्मी, राइट। दूसरी आर्मी में इन्होंने क्या किया, प्रोटीन को कर दिया यार रेडियो एक्टिव, प्रोटीन को कर दिया रेडियो एक्टिव। अब दो ही कैंडिडेट है तो क्यों ना एकदम आमने सामने लड़ाई हो जाए, आमने सामने समझ में आ जाए। हां जी, एनिमेशन में क्लियर कट दिखाया था बैक्टीरियोफाज, याद है बच्चों को, वाह जी, ये फायदा होता है सारी क्लासेस कंसिस्टेंटली लगाने का, है ना यासिर, मानते उस बात को, सारी क्लासेस आपस में कैसे लिंक्ड होती है। आप अगर उस वायरस वाले लेक्चर को देख करके आए हो, कितना क्लियर कट एनिमेशन आपको मैंने समझाया था कि कैसे बैक्टीरियोफाज पास ऑन करता है अपने जेनेटिक मटेरियल को, है ना बच्चों, है ना। चलो, गुड गुड गुड, वेरी वेरी गुड। चलो वापस से आते हैं, तो दो आर्मी तैयार कर ली है भाई हर्से एंड चेज ने, हर्सियन चीज ने दो आर्मी तैयार कर ली, एक आर्मी तो ये जिसमें इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फेट कर दिया, मतलब रेडियो एक्टिव डीएनए है मेरा, दूसरी आर्मी ये जिसमें इन्होंने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव कर दिया। अब इन्होंने दोनों आर्मी को लेकर के दो डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स लगाए, एक यहां पर लगाया एक यहां पर लगाया, जस्ट टू चेक आउट द रिजल्ट्स। हां जी, हाँ जी, आया समझ, यहां तक कुछ डाउट है तो पूछो, यहां तक कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। जल्दी 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 भाई, आपको बायोगुरु पे ही मिल जाएगा, आप बायोगुरु को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, आपके पास सारे के सारे नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस के। एंड जो पुराने बच्चे हैं यार, लाइक एंड शेयर क्यों नहीं करते तुम लोग, लाइक एंड शेयर करो फटाफट से लाइक एंड शेयर करो, नो डाउट, अंडरस्टूड। चलो फिर एनसीईआरटी माता क्या लिखती है वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी माता ने हमको समझाया है एक बेहतरीन सा डायग्राम इसको प्रूव करने के लिए, ये वही सब है जो मैंने आपको अभी समझाया, रेडियो एक्टिव कर लिया। अब डायग्राम के तहत समझाया हुआ एनसीईआरटी ने कि कैसे पास ऑन हुआ, ये आपकी फर्स्ट आर्मी है जिसमें हमने सल्फर को रेडियो एक्टिव कर लिया, S35 जिसमें हमने सल्फर को एड कर दिया, राइट। अब रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, रेडियो एक्टिव जब आप किसी सब्सटेंस को कर देते हो तो ऑटो रेडियोग्राफी में आपको वो फ्लोरेसेंट वे में दिख जाएगा, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होता है, राइट। यस देन सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, जो दूसरी आर्मी थी हमारी उसमें हमने अपने डीएनए को रेडियो एक्टिव कर लिया, मतलब हमने फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव कर दिया। अब आप अपनी समझदारी एंड सूझबूझ को याद करो एंड सोचो
कि जब बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन को कॉज करता है किसी भी इकोलाई में, किसी भी बैक्टीरिया में, लेट से इन्फेक्शन कॉज किया, इन्फेक्शन कॉज करने के बाद हमने उसको ब्लेंडिंग के लिए छोड़ दिया, ब्लेंडिंग होगी प्रॉपर। ब्लेंडिंग होने के बाद एक मशीन होती है विच इज कॉल्ड ए सेंट्रीफ्यूज, जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन? वेट के बेसिस पे सेपरेट कर दिया जाता है जो भी मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट है। सुपरनेटेंट में लाइट वाली चीज, लाइट वेट वाली, पैलेट में हैवी वेट वाली चीज एक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक है जी, हमने क्या किया, हमने तीन चीजें करी। पहले हमने इन्फेक्शन को कोर्स करवाया, इन्फेक्शन होने के बाद हमने ब्लेंडिंग कर दी, मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद हमने सेंट्रीफ्यूगेशन को परफॉर्म करवाया, विच इज सेंट्रीफ्यूज में आपका जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो बेस्ड अपॉन वेट सेपरेट हो जाता है। सुपरनेटेंट में आपका लाइट वेट वाली चीज रह जाएगी, पैलेट में आपकी हैवी वेट वाली चीज एक्यूमुलेट हो जाएगी। अब दोनों आर्मी में हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया। फर्स्ट वाली आर्मी जिसमें हमने सल्फर को रेडियो एक्टिव करके डाल दिया था, तो जो रेडियो एक्टिविटी दिखी वो कहां पे दिखी हमको? रेडियो एक्टिविटी हमको सुपरनेटेंट में दिखी, जो ऊपर था सरफेस पे। सुपरनेटेंट में हमको रेडियो एक्टिविटी दिखी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, मतलब जो चीज बाहर रह गई है, जो चीज बैक्टीरिया के इनसाइड नहीं गई है वो बाहर रह गई, जो बाहर रह गई उसका वेट होगा कम, वो अपीयर होगा सुपरनेटेंट में। तो बाहर में हमको दिखी रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, जिसमें हमने सल्फर को रेडियो एक्टिव किया था। सल्फर थी किसमें? प्रोटीन में। मतलब इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि प्रोटीन आपका बाहर रह गया, मतलब अंदर क्या गया, जेनेटिक मटीरियल क्या हुआ आपका? डीएनए हुआ। क्या हुआ जी? डीएनए हुआ। लेकिन इससे बात नहीं बनी। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था, दूसरी आर्मी का एक्सपेरिमेंट भी हमने उठाया, इसमें हमने चेक किया रेडियो एक्टिविटी कहां है। तो यहां पे रेडियो एक्टिविटी मेरे लाल सुपरनेटेंट में नहीं मिली, यहां पे रेडियो एक्टिविटी आपकी पैलेट में मिली, बैक्टीरिया के इनसाइड मिली। फॉस्फोरस वाली रेडियो एक्टिविटी आपको बैक्टीरिया के इनसाइड मिली, मतलब क्या हुआ कि डीएनए आपका अंदर ट्रांसफर हुआ है बैक्टीरिया में। तो इससे भी सेम कंक्लूजन निकला, इससे भी सेम कंक्लूजन निकला दैट इट इज नॉट प्रोटीन, इट इज योर डीएनए। दया ने पता लगा दिया, दया ने अनइक्विवोकल प्रूफ दे दिया। दया थे हमारे हर्षे एंड चेज, उन्होंने कहा भाई अब तुम डिनाई करके दिखाओ, तुमने एवरी मैक्लियोड मैकार्टिक एक्सपेरिमेंट को डिनाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम हमारे एक्सपेरिमेंट को डिनाई करके दिखाओ, तुमको वो एक्सपेरिमेंट वेग लगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम इस एक्सपेरिमेंट को डिनाई करके दिखाओ कि प्रोटीन जेनेटिक मटीरियल है, ये तुम प्रूव करके दिखाओ। तो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट जिसने ये प्रूव कर दिया पूरे साइंटिस्ट में कि भैया डीएनए ही है जो कि भावी कैंडिडेट है, जिसको जेनेटिक मटेरियल की खिताब से नवाजा जाएगा। हां जी, जिसको जेनेटिक मटेरियल की खिताब दे दिया गया, क्राउन पहना दिया गया डीएनए को आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट कि भैया आप ही हो हमारे जेनेटिक मटीरियल। आया समझ यस और नो, जल्दी बताओ आया समझ यस और नो, एवरीवन क्विकली इन द कमेंट सेक्शन, समझ में आया या नहीं आया? डू यू हैव एनी डाउट, कोई आपत्ति है, कोई शंका है तो जल्दी से पूछिए। अब डीएनए जैसे ही हर्षे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद में डीएनए का एकदम सीना चौड़ा, मैं हूं जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन को किया साइड में, आरएनए को भी कर दिया साइड में, फाइनली ये प्रूफ हुआ कि डीएनए इज योर जेनेटिक मटेरियल। कुछ है आपत्ति, कुछ है शंका तो प्लीज पूछिए बच्चों, और अगर शंका नहीं है तो फिर मैं पूछूंगी तुम लोगों से, जहां पे होगी तुम लोगों की सट्टी पिट्टी गुल। हाँ जी, बेस्ट ऑफ लक डीएनए भाई की जीत हुई, यो डीएनए सिंह। वाह जी वाह, यो डीएनए सिंह बन गया अपना। डन, नौ आपत्ति, चले फिर कुछ करें क्वेश्चंस।
चलिए करते हैं सवाल AIPMT 2014 में सवाल आया हुआ है, 2014 का सवाल है, आपको देती हूं मैं पूरे 2 सेकंड इसको सॉल्व करने के लिए, 2 सेकंड्स एवरीवन, मजा आ गया, 2 सेकंड्स एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव 2 सेकंड्स टू सॉल्व इट। ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय केड़े साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिता सी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। हां जी, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, एसके सुमन, वाह जी वाह, छा गए भाई सारे बच्चे मेरे, छा गए बिल्कुल, चैट नाम ही नहीं देख पा रही हूं। चंदनी, निक्की, रिफत, अजय यादव, स्टिल मेरी आईज ने कैच कर लिया एक दो नाम को। मिस्टर एंटीक, वाह जी वाह, वेरी गुड, वो थे आपके ग्रिफिथ साहब जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव किया, जिन्होंने एक्चुअली एक स्टेपिंग स्टोन रख दिया डिस्कवरीज में कि भैया डीएनए को आप एज ए जेनेटिक मटेरियल देखना शुरू करो, एक्सपेरिमेंट्स अपने करो। ग्रिफिथ वॉज द एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया, सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल वॉज द एक्सपेरिमेंट। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाइस, नेक्स्ट पे आ जाओ, 2017 एकदम लेटेस्ट सवाल, ताजा निकाला हुआ 2017 के पेपर से, एंड आपको मैं 1 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं देने वाली इस क्वेश्चन में, डू नॉट टेक मोर देन 1 सेकंड, एकदम ताजा सवाल, डू नॉट टेक मोर देन 1 सेकंड एवरीवन, 1 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल मत लो आप लोग। द फाइनल प्रूफ या अनइक्विवोकल प्रूफ या अनडिनाइबल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटीरियल came from the experiment of, केड़े एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि हाँ जी डीएनए ही है वो महानुभाव, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल वाला क्राउन दिया जाए, किससे, किसने प्रूव किया, वाजीवा, वेरी गुड बच्चों, एकदम छा गए यार तुम लोग, तो चैट्स पढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे हो, नाम ही नहीं पढ़ पा रही हूं मैं, सुलेमानी दिख गया मुझे, एस कुमार रवि, केतावत भी दिख गया मुझे। Very, very, very good. The correct answer is option number A, which is Hersey and Chase. Very nice, everyone. Great. One more question. Previous year question, one more. इसको solve करो. इसके लिए आप लोग 2 सेकंड ले सकते हो. 2 सेकंड्स. थोड़ा confusing है ये question. Examiner तुमको थोड़ा सा trick करने की कोशिश कर रहा है. तो इत्मीनान से ज्ञान चक्षु ओपन करके सोच समझ के करना इसका आंसर। लास्ट वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, मैं हाइड कर लेती हूँ, मेरे पास सुपर पावर्स है, मैं अपीयर एंड डिसअपीयर हो सकती हूँ बेस्ड अपॉन माय सुपर पावर्स। यस एवरीवन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप वर यूटिलाइज्ड फॉर लेबलिंग प्रोटीन एंड डीएनए इन ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट रिस्पेक्टिवली। बस सिंपल सा ये है कि फॉस्फोरस एंड सल्फर को आपने यूज किया था, तो S35 था, P32 था, या S32 था, P35 था, बस इतना सा आपको देखना है। वेरी वेरी गुड एवरीवन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, S35 रेडियो एक्टिविटी के लिए जिसको यूज किया गया, P32 NCERT में ही मेंशन्ड है, S35 P32 इज करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ग्रेट एवरीवन, बहुत बढ़िया बच्चों, सुपर पावर के साथ में मैं वापस आ चुकी हूँ, वापस अपियर हो चुकी हूँ। देन वी हैव होमवर्क क्वेश्चन, जो आज की क्लास का नहीं है, जो कि फर्स्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन है। आई वांटेड टू सी कि किस किस बच्चे को फर्स्ट क्लास का भी याद है, एंड ये मेरा बिलीफ आप सारे बच्चों में कि आप बिना अपनी नोटबुक को ओपन किए, बिना अपनी किताबें खोले हुए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे मुझको, कहाँ पे, कॉमेंट सेक्शन में, बिना अपनी नोटबुक को ओपन किए भी। होमवर्क क्वेश्चन एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन, राइट। इसी के साथ आज इस क्लास के लिए अलविदा लेते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में आज 5 बजे विद मिंटी क्विज ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो नए बच्चे हैं
आपको अगर मजा आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस ब्यूटीफुल चैनल. आप ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना डेफिनेटली. एंड बच्चों, ये जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लो. क्लास के जस्ट बाद यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है. इसके साथ साथ में यहाँ पे क्विज भी आपकी होती है डेली इवनिंग में एट 8 PM. वी हैव ए क्विज एट दिस टेलीग्राम ग्रुप. राइट एवरीवन, जो पुराने बच्चे हैं लाइक शेयर का सिलसिला जारी रखो, जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करते रहो, करवाते रहो. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आज इवनिंग में 5 बजे विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बाय बाय एवरीवन, टाटा बाय बाय, बी हैप्पी, बी हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ यू. बाय एवरीवन.